सो ये हमारा डायग्राम है। सो हम चौड़ाई लेंगे 15 सेंटीमीटर, देन लंबाई लेंगे 18 सेंटीमीटर, एक स्क्वायर हमें ड्रॉ कर लेना है। ओके, देन हमें 18 का हाफ लेना है 9 सेंटीमीटर, सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देन हमें नीचे ये लेना है 5.5 सेंटीमीटर, देन यहाँ हमें लेना है 4.4 सेंटीमीटर और यहाँ पे हमें लेना है 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें लेना है 4.5, यहाँ पे लेना है 5 सेंटीमीटर और यहाँ पे हमें एक 3 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करना है। सारे पॉइंट्स को हमें स्ट्रेट ड्रॉ कर लेना है। ओके, इसके बाद हमें यहाँ पे इसका सेंटर लेना है और सेंटर से बाहर की तरफ 1 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ पे हमें 0.5 लेना है और सारे लाइंस को कर्व की तरह हमें ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे मैंने कपड़े को चार सतह पे रख लिया है। अब हमें यहाँ पर इसके मार्किंग के हिसाब से कपड़े का कटिंग कर लेना है। तो हमारे पास ये चार पीसेस आ गए हैं। दो पीस एक जगह, दो पीस एक जगह रख के हमें राउंड शेप में सिलाई ले लेना है दोनों पीस में। ओके, सिलाई लेने के बाद हमें ओपन करना है। तो जो एक पीस है उसका सीधा हिस्सा पहले रखना है इस तरीके से, एंड दूसरा हिस्सा जो है उसे खोल के ऊपर की तरफ उल्टा रखना है, माने हमारी तरफ उल्टा पीस आना चाहिए। उसके बाद हमें नीचे की तरफ सिलाई लेनी है, ये साइड का हिस्सा छोड़ देना है, फिर ऊपर की तरफ सिलाई लेते हुए वो साइड का हिस्सा छोड़ देना है। मतलब हमें सिर्फ ऊपर और नीचे ही सिलाई लेनी है। ओके ओके, तो ये मैंने सिलाई ले लिया है। अब हम यहाँ पे छोटे छोटे कैंची से कट मारेंगे जिससे सिलाई ना कटे, सावधानी से हमें कट लगाना है। तो इस तरीके से कट लगाने से हमारा जो फिनिशिंग है वो अच्छी तरह से आता है। अब हम इसे पलटी कर देंगे, मीन सीधा कर देंगे। तो इस तरीके से आप अच्छी तरह से सीधा करके आप इसको आयनिंग भी कर सकते हैं। आयनिंग करने से इसकी सिलाइयां जो है वो अच्छे से बैठ जाएंगी। ओके, सो ये देखिए मैंने चारों तरफ से सिलाई ले लिया है, इसको आयनिंग भी कर दिया है, तो एकदम फिनिशिंग के साथ आ गया है। अब प्लास्टिक डालने के लिए हमें आधा इंच तक फोल्ड करके किनारे पे सिलाई ले लेनी है दोनों तरफ से। ओके, सो मेरे पास ये इलास्टिक है, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया, अगर आपके पास इलास्टिक नहीं है तो आप ये मास्क कैसे बना सकते हो। ओके, तो मेरे पास ये जो है पुरानी टी शर्ट है, इस टी शर्ट में से 1 इंच चौड़ा पट्टी हमने कट करके निकाल लिया है। ओके, अब इस ज्वाइंट से हमें कट करके इसको सिंगल कर देना है। और इसको हमें इस तरीके से खींच देना है, खींचने से इलास्टिक के जैसा ही हो जाएगा। फिर हमें अपने अकॉर्डिंग जो है वो कट करके हमारे मास्क में अटैच कर देना है। तो हमारा मास्क बनके रेडी हो गया है। तो यदि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया सीखने के लिए।